वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज फिर असी दोबारा उस लड़ी नूं तोरदे हुए विचारां दी सांझ पाउण लई अज फिर संगतां विच इस जरिए आप जी दे कोल हाजिर हो रहे हैं। सो अज दा साडा विचार जो कि मौजूदा हकूमत वलों सिखां ते ढाए जा रहे जुल्म जिहदे अंदर सानूं भुल जाण दा उपदेश करदे ने, अज उस विचारां दी लड़ी नूं मुख रखदे आ। थोड़ी जिही पिछले इतिहास दे विच झात मारीए कि इन्हां दा पहलां तों ही संबंध साडे नाल इही रहा कि साडे इतिहास नूं इन्हां ने गंदला ते गदारी वाला पेश कीता। जदों 1857 दे अंदर गदर दी लहर चली, उस वेले दी बहुत गिणती हिंदू समाज ने, उस वेले दे मीडिया ने इस गल नूं पेश कीता कि जो 1857 दा गदर सी ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 1957 ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ और उस सम्मेलन की अगवाई, उस सम्मेलन की जो प्रधानता सी वो प्रोफेसर गंडा सिंह जी कर रहे सन। जदों उदे अंदर बैठे विद्वान ते बुलारे आन के स्पीच करदे ते बोलदे, हर गल एक यही रखदा कि 1857 की पहली जो जंग सी आज़ादी की, वह हिंदुस्तान की पहली लड़ाई सी और सिखां ने गदारी की, इस गदारी कारण असी होर पिछड़ गए। सो ये गल्लां सुनदियां होया सिख कौम दे उस विद्वान इतिहासकार गंडा सिंह दा खून खोलिया, जो कि उस समय विद्वान उहदी प्रधानगी कर रहे सी। प्रधान दा समा हुंदा कि उस सारे फंक्शन तो बाद बोलना, पर उन्होंने उसे वेले इस गल नूं जरदियां होया कि सिख कौम की बेइज्जती की जा रही है, इस स्टेज दे उत्ते सिखां नूं गदार पेश किया जा रहा, उन्होंने उसे वेले खालसा जी पहला अस्तीफा दिता प्रधानगी तो नाल ही मंच के उत्ते बोलण का टाइम ले लिया। उन्होंने इस रवैये देख के उस सम्मेलन के अंदर सन्नाटा छा गया, हलचल मच गई और प्रोफेसर गंडा सिंह जी स्टेज पर खड़ गए। गुरु प्यारियो, उन्होंने उस वेले स्टेज पर खड़ के जो बादलील सिख कौम का पक्ष उस स्टेज के उत्ते रखिया और इतने वधिया लिहाजे ते तरीके नाल सिख कौम दे विचारां नूं पेश कीता, उस हाल दे अंदर बैठे जो विद्वान सन जो पहला बोल के चले गए वो खिसकने शुरू हो गए, तो जिन्हां ने बोलण दा समां सी वो जरकने शुरू हो गए। किसे कोल उन्हां दी गल दा जवाब ना रहा, उन्होंने लाजवाब कर दते। उस उन्हां दे उस वेले उस सम्मेलन दे अंदर जो उन्होंने विचार पैदा रखे वो बहुत लंबे चौड़े ने, पर असी अज थोड़ा जिहा उपराला करते हैं कि वह विस्तार दे नाल संगतां नूं जाणू कराईए, क्योंकि साडी त्रासदी है सिख इतिहास की। असी अपना इतिहास नहीं पढ़िया, असी अपने इतिहास नूं विचारिया नहीं, बेशक असी तलवारां दे धनी हो गए पर असी कलम दे धनी तो पिछड़ गए। उस विचारां दे अंदर जदों स्टेज दी मंच दे उत्ते खड़ के प्रोफेसर गंडा सिंह ने यह ऐलान किया कि पहली गल मैनूं यह दसो कि 1857 की आज़ादी की लड़ाई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 90 ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੜਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੜਕੇ कि वह कारतूस से चर्बी लगी होने के कारण एक मंगल पांडे नाँ के हिंदू फौजी ने किसी अंग्रेज अफसर को गोली भी मारी तो भगदड़ मच गई। कोई इस गल नूं एक लिहाजे एक कमांड के नाल सी, हिंदुस्तान का वख वख रियासतों के वंडिया होया सी, किसी ने कोई कमांड नहीं सी कि वह आखणगे कि सिखां तक तुसीं पहुँच की जां सानूं किसी ने सुनेहा दित्या जां सिखां ने तुहाडी गल नूं अड़दिया, पर उहदे नाल नाल जो उन्होंने
दलील दिती। उन्होंने पेश किया कि मैं 1857 की उस बगावत को मैं पहली जंग नहीं मनता। पहली जंग जो हिंदुस्तान की आज़ादी की हुई वो हिंदुस्तान के अंदर एको एक मर्द मुजाहद जिन्हें बाबर नूं जाबर रखिया जिन्हें आख्या सी जैसी में आबे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बे लालो। गुरु नानक साहब पातशाह ने हिंदुस्तान के अंदर 700 साल की गुलामी के अंदर जकड़ी हुई उस कौम आज़ादी की पहली जंग के लिए तैयार किया। गुरु नानक साहब पातशाह ने बाबर नूं जिथे जाबर आख्या उन्होंने बाबर दियां जेलां के अंदर भी अपने आप नूं बैठना किया। उन्होंने बाबर के तशद्दुद नूं भी झल्लिया। उस तों बाद गुरु अर्जन साहब पातशाह जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले शहीद होए ने जो उस वेले की मुगलिया सल्तनत के अंदर खालसा जी वो उस वेले की हुकूमत लई एक बागी सन वो पहले शहीद होए ने। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जो सिखां दे छेवें गुरु होए ने उन्हां आख्या उन्होंने कैदां कट्टियां ग्वालियर के किले के अंदर ते हिंदुस्तान की जनता के भले दे चार जंगा लड़िया। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह नौवें पातशाह ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तुहाडे धर्म नूं बचाउण दे लई इस आज़ादी नूं अपनाउण दे तुहाडे धर्म नूं बचाउण दे लई उन्होंने दिल्ली के अंदर अपना आप बलिदान दे दिता। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 14 जंगा लड़िया अपने साहबजादे शहीद करवा दते और उन्होंने जंगा के अंदर उन्होंने इस हिंदुस्तान की भलाई तो आज़ादी की ही गल की। उस तो बाद निरंतर दौर चलता गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जो पंजाब की धरती ते आया जिदे अंदर सिख गभरुआ ने साथ दे के उस मगदे हुए जंग के अखाड़े को कायम किया जिन बहादुर शाह ते फरखरीशर दे राज दे नक दे विच दम कर दिता और उन्हां दीआं चूल्हां हिला के रख दित्तियां ते खालसा राज पैदा किया। चरखड़ियां ते चढ़े बंद बंद गटाए गए शमशीरां टकरियां नदियां दीआं लहूआं दीआं नदियां बग गईआं शमशीरां टकराईआं नदियां बग गईआं खून दीआं पर वह काफिला जंगी काफिला तुरदा गया। इतिहास गवाए तवरीख गवाए बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया बाबा फूला सिंह जी होर किन्ने हरी सिंह नल वर्गे योधे जो आज़ादी की तहरीक नूं लड़दे गए। खालसा जी ये गल्लां सुणदिआं होइआं जो उस वेले सम्मेलन दे विच बैठे विद्वान सी सन्नाटा छा गया किसी को जवाब नहीं होए। उह आख्या अज भी यह जंग जारी है अज हिंदुस्तान की असी 2% आबादी तो असी 98% आज़ादी लई लड़े तुसी 98% आज़ादी आबादी तो तुसी 2% ले लड़े तुहाडी की हिंदुस्तान के इतिहास में की रोल है। और इन गल्लां दे नाल जो उन्होंने अपनी गल पेश की तो खालसा जी इतिहास में फिर दोहराउण दा आरंभ होया हलचल पैदा हो गई। उन्होंने आख्या कि तुसी जिस गल की अज इतिहास के उत्ते तुसी जोर पा पा के नाना पाठक नाने दीआं गल्लां करदे हो झांसी की राणी तो लक्ष्मीबाई दीआं गल्लां करदे हो इन्हां दा इतिहास पढ़ो। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के कोल जाके आप एक लिखती दिता कि मैनू 20 लाख रुपया सालाना दे दिता जाए मेरा राज लै लो मैनू 2 लाख दे दिता जाए पर अंग्रेज टस तो मस नहीं होए। अज भी वह लिखता लंडन की लाइब्रेरी के पईया मौजूद ने इतिहास गवाए तो और लक्ष्मीबाई दे दी आप भी जंग दे विच ना लड़ी। उन्हें आख्या उहदे ते लई एक बहुत ही सुंदर मटियार उहदे हम शकल मैदान दे विच लड़ी तो वह उत्थों मैदान दे विच भज गई। सो इन्हां गल्लां नूं उन्हां ने जो स्टेज दे उत्ते बोलिया सो खालसा जी उस उदां दे विद्वान सानूं सूरबीर योधे अज चाहीदे ने कौम नूं तां कि जो अज इह सानूं भुल जाण दीआं गल्लां करन वाले इन्हां नूं असीं दस सकीए कि भुल तुसीं गए हो भुल गए हो गुरु तेग बहादुर साहब दी दित्ती हुई शहीदी नूं भुल गए हैं तुसीं बाबा दीप सिंह ते जस्सा सिंह वर्गे सूरमियां दी बहादुरता नूं जिन्हां ने तुहाडे मुगलां दे कोलों डोलियां नूं छड़ा छड़ा के वापस पंजाब दी धरती ते लियांदा। भुल गए तुसीं ओह जो पंजाब दा हिस्सा दिल्ली तक उन्होंने अफगानिस्तान दा हिस्सा बना लिया सी सलाले दहरा खैबर नूं बंद कर दिता अज सानूं भुल जाण दीआं नसीहतां देण वाले हो तुसीं आप भुल गए उस गुरु सिद्धांत नूं। इस गल नूं हमेशा याद रखियो जे अज तक हिंदुस्तान दे विच सिख कौम है ता हिंदुस्तान है जे तुसीं सिखां नूं खत्म करन दी गल कीती तुसीं अपने आप पैरां ते कुहाड़ा मार के अपने आप खत्म हो जाओगे। इस धरती ते गुरु नानक साहब दी बख्शिश है वह सदा ही कायम रहेगी। सो इन्हीं गल्लां कहिंदा होया मैं अपने विद्वान वीरां नूं यही बेनती करदा आओ प्रोफेसर गंडा सिंह वर्गे विद्वान जो मौके ते आपां इन्हां गल्लां नूं पेश करके हाकम दी जड़ां दे विच
जो साढ़े नाल लड़ रहा वो तेल दईए ऐसा कि वह मुड़ के साढ़े वालू मूँह ना कर सके। उन्होंने असी इस गल का सबक दे दीए कि सिख अजे भी जिंदे ने, पर गल्लां बातें असी गल्लां कुछ नहीं कर सकते। कोई अपने मेहमानों तैयार करिए इन्नियां गल्लां कहिंदा होया मैं खिमा दा जज गया होई भुल्लां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।